हेलो गाइज, आप देख रहे हो क्रिकेट विशाल। गाइज, ये वीडियो सभी बैट्समैन के लिए है। आज हम बात करेंगे फास्ट बॉलर्स के अगेंस्ट कैसे लंबे लंबे छक्के लगाएं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है सभी बैट्समैन के लिए, क्योंकि फास्ट बॉलर्स के अगेंस्ट सिक्स लगाने में थोड़ा मुश्किल होता है। तो आज मैं बता रहा हूँ, इस वीडियो से आप पूरा सीख जाओगे कैसे आपको लंबे लंबे सिक्स लगाने। और गाइज, वीडियो आप पूरा देखना, क्योंकि आधा वीडियो देख के जाओगे तो कुछ फायदा नहीं होगा आपको बैटिंग करने में फास्ट बॉलर्स के अगेंस्ट। तो पूरा वीडियो देखना, उसके बाद ही आपको समझ आएगा कैसे आपको सिक्स लगाने हैं लंबे लंबे। चलिए अब गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात बता दूं, और गाइस जो मैं इस वीडियो में बताऊंगा बिल्कुल एक की है, अगर आपको सिक्स लगाने हैं तो वो की अगर आपने अच्छी तरह समझ लिया तो मैं गारंटेड बोल रहा हूँ सीख जाओगे। तो सबसे पहले आपको इनिशियल मूवमेंट फास्ट बॉलर्स के अगेंस्ट जरूर लेना है अगर आपको सिक्स लगाने सीखने हैं। लेना कैसे गाइस, मैं आपको बता दूं आपकी लेग्स की पोजीशन कैसे रहेगी। जैसे फास्ट बॉलर अपने रनअप से आ रहा है और वो बॉल छोड़ने वाला है, हाथ से रिलीज होने वाला है, उस टाइम आपको इनिशियल मूवमेंट लेनी है। हमेशा आपको पिछले वाला पैर थोड़ा पीछे ले जाना है और ये पैर आपको थोड़ा सा खोलना है। उसका फायदा क्या होगा गाइज, आपको पता चल जाएगा अपने आप ही कि आप ट्रिगर हो जाओगे कि बॉल आने वाला है। उससे आपको बेनिफिट क्या होगा, बॉल को पड़ने में हेल्प होगा। जैसे आप स्टांस से आपका बॉलर आ रहा है, फास्ट बॉलर वो बॉल छोड़ने वाला है, तो हल्का सा आपको ऐसे खोलना है, ये लेग आपका खुलेगा, ये पीछे जाएगा, हल्का सा पीछे जाएगा। इस पूरा बैकफुट नहीं जाना है आपको पहले ही। अगर आप पहले ही बैकफुट कमिट होगे तो आपको बॉल रीड करने में दिक्कत होगी, सिर्फ आपको हल्का पीछे जाना है और ये लेग आपको खोलना है थोड़ा सा। इसका फायदा गाइस बता दूं, ये की है अगर आपको सिक्स लगाने, अपनी बैटिंग इंप्रूव करनी है तो आपको इनिशियल मूवमेंट लेना पड़ेगा, बहुत हेल्प होगा आपकी बैटिंग में। और लेना कब है, बस जब आप बॉल हाथ से छूटने वाला होगा। आगे का बता दूं, आपने इनिशियल मूवमेंट ले लिया आपका गाइस, ये इनिशियल मूवमेंट हो गया, आप रेडी हो, बॉल आ रही है आपके पास, फिर आपको क्या करना है, आपको जब भी कमिट हो गया आपको कभी भी सिक्स लगाने के लिए डबल माइंड नहीं होना है। अगर आपने सोच लिया कि मेरी रेंज में बॉल है मुझे सिक्स लगाना है तो आपको लगाना है। अगर आप कभी भी डबल माइंड हो तो कभी भी आप लंबे लंबे छक्के नहीं लगा सकते, तो आपको डबल माइंड नहीं होना है। आपको रीच में आ गया, आपने देख लिया कि बॉल ऊपर है, इनिशियल मूवमेंट आपने देख लिया कि बॉल ऊपर है, तो गाइस आपको पूरा हाथ खोल के सिक्स लगाना है और पूरा अपना जान लगाना है, जितना भी आपके अंदर जान है। ये नहीं कि आप सोच रहे हो कि मुझे सिक्स नहीं लगाना, वो फिर कमिट नहीं कर पाओगे आप पूरा। और गाइज आपको हमेशा बॉल के पास जाना है, कोशिश करना है पास जाए, आपकी बॉडी वेट भी बॉल के पास आगे जाएगा ना कि पीछे जाएगा। क्या करते हैं बहुत बिगनर्स, गलती करते हैं, बॉडी वेट ऐसे पीछे ले जाते हैं फिर सिक्स मारते हैं। गाइज कभी भी बॉडी वेट पीछे करके सिक्स मत मारो, और आगे आना है पूरा, जब भी बॉडी वेट आपका आगे आएगा फिर उसके बाद आगे सिक्स जाएगा, ये कोशिश करना है आपको, बॉडी वेट आगे रहेगा आपका सिक्स लगाते हुए। और गाइज पूरा आपका ओवरऑल बॉडी यूज होगी, देखो जब सिक्स लगेंगे जैसे आपकी बॉल रेंज में है तो पूरा सिक्स लगेगा, पूरा आपका ग्लूट्स, पूरा बॉडी यूज हो रही है आपके लेग्स, तो इसकी आपको स्ट्रेंथ बढ़ानी पड़ेगी, ग्लूट्स की भी आपको पूरी यूज करना है, ग्लूट्स भी आपके ऐसे स्विंग होंगे सिक्स लगाते हुए, ये ध्यान रखना है। और गाइज मैं आपको बता दूं, अगर फास्ट बॉलर्स के अगेंस्ट सिक्स लगाने तो गाइज पेस आपके पास अपना अपने आप आएगा फास्ट बॉलर्स का, आपको सिर्फ बॉल को टाइम करना है, ये जरूरी है, सबसे जरूरी। अगर बॉल आपके पास फास्ट बॉलर्स का आएगा वो तेज फेंकेगा, तो आपको यूज करना है उसके पेस का, ना कि आप आंख बंद करके घुमा रहे हो। आपने को पता लग गया छोटा बॉल है तो आपको हमेशा हाथ खोल के उसका पेस का यूज करना है, सिर्फ बॉल को टाइम करके बाहर करना है आपको, ये जरूरी है। जैसे आपको मिल गया, आपको लग रहा है गुड लेंथ का, आपको बाहर करना है, सिर्फ टाइम करना है, टाइम करने के लिए जाना है और बॉल लास्ट तक देखना है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फास्ट बॉलर्स के अगेंस्ट सिक्स लगाने में। और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट बात बता दूं गाइज, अगर आप फास्ट बॉलर से डरोगे तो कभी भी आप सिक्स नहीं लगा सकते हो, आपको कभी भी फास्ट बॉलर्स के अगेंस्ट डरना नहीं है। आप अगर खुल के खेलोगे तो आप उतना ही अच्छा फास्ट बॉलर्स के अगेंस्ट खेलोगे, चाहे 140 है 145, आपको डरना नहीं है। धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करो, प्लास्टिक की बॉल से प्रैक्टिस करो, आपका डर निकल जाएगा। मैंने बहुत वीडियो बनाया हुआ है, दो वीडियो है, तो वो आप आई बटन पे लिंक दे दूंगा, आप जाके देख सकते हैं फास्ट बॉलर्स के अगेंस्ट कैसे अपना डर निकाले, कैसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं प्लास्टिक की बॉल से और बाउंसर के अगेंस्ट। तो गाइज वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और कुछ भी आपकी क्वेरी है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और इंस्टाग्राम पे फॉलो ज़रूर करें, क्रिकेट विशाल सेम अकाउंट है। और गाइज गिव अवे भी चल रहा है, आपने अगर वीडियो नहीं देखा हो तो वीडियो देख सकते हैं, आई बटन पे दे दूंगा, वो वीडियो भी आप जाके देख लेना, उसमें पार्ट ले सकते हो। तो थैंक यू गाइज, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।